हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विशाल एंड आप देख रहे हैं कभी टेक्न्यूज़। आज की टेक्न्यूज़ को तो लगता है आसुस ने अपने नाम ही कर लिया है, क्योंकि आसुस ने इस पूरे वीक किया है कुछ ना कुछ लॉन्च, चाहे वो अपडेट्स हो या नए कलर वेरियंट या हो प्रोडक्ट लॉन्चेस। एंड फेबरी को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी ने दिया है कुछ खास अपने यूजर्स को। तो बने रहिए हमारे साथ एंड देखते रहिए टेक्न्यूज़। आगे बढ़ने से पहले चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आसुस की, तो दोस्तों मैक्स प्रो M2 की कामयाबी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और एक कलर वेरिएंट जो कि टाइटेनियम कलर वेरिएंट, जो कि स्टील का फील देता है एंड काफ़ी शाइनी है। तो अगर आपको लेना था ये फ़ोन एंड सोच रहे थे कि कौन सा कलर वेरियंट ले, तो ये ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। दूसरी खबर आ रही है आसुस की ओर से ही, जो कि अपडेट्स को लेके मैक्स प्रो M2 के नए कलर वेरियंट के साथ लगता है नया सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट भी आपको मिल जाता है, जो कि है January 19 का। एंड ये आता है नए फीचर्स के साथ, जो कि एक्स्ट्रा 13 AI सीन डिटेक्शन, बेटर बैटरी लाइफ एंड इंप्रूव्ड स्पीड के साथ, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, न्यू ईयर को और भी खास बनाने के लिए मैक्स प्रो M2 को मिलने जा रहा है एंड्रॉइड पाई का अपडेट बहुत जल्द। तो देखते हैं क्या कुछ होगा इस नए अपडेट के बाद। आसुस ने ज़ेनफोन 5G के लिए भी अपना एंड्रॉइड पाई का रोल आउट शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल सेगमेंट में अपना नाम बनाने के बाद लगता है आसुस अब लैपटॉप सेक्टर में भी अपना हाथ आजमाना चाहती है, क्योंकि आसुस ने कर दिया है लॉन्च अपने 3 नए जेन बुक्स का, जो कि 13, 14 एंड 15 इंच में आते हैं। कंपनी ये दावा कर रही है कि ये इस सेगमेंट में सबसे छोटे लैपटॉप्स है, यानी ज़्यादा स्क्रीन एंड लेसर बॉडी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अच्छी चीज़ें जल्दी से अच्छी प्राइसिंग में नहीं आती है, एंड इसके साथ भी सेम है, इसकी प्राइसिंग काफ़ी स्टीप है, एक अच्छे बजट होल्डर को ये सूट करती है। ये सभी मॉडल पहले ही CES 2019 यानी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो 2019 में दिखाई जा चुकी है एंड अभी से इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है। आप अपने स्क्रीन में इसकी पूरी प्राइसिंग देख सकते हैं। दोस्तों अगली खबर ऑनर की तरफ से आ रही है, तो ऑनर ने लॉन्च कर दिया अपना द मोस्ट अवेटेड फ़ोन ऑफ द ईयर, जो कि है ऑनर व्यू 20। एंड ये सच्ची में एक फ्यूचर का फ़ोन लगता है, क्योंकि ये आता है फर्स्ट टाइम एवर अंडर स्क्रीन कैमरा के साथ, जो कि है 25 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, जिसे पंचुअल कैमरा कहते हैं। एंड पीछे आपको मिल जाती है 48 मेगापिक्सल का AI कैमरा, जिसको कंपनी ने काफ़ी प्रमोट किया है। एंड ये आता है TUF कैमरा के साथ, जो 3D इमेजिंग में हेल्प करता है। एंड इसकी एक ही वेरिएंट हुई है लॉन्च, जो कि है 6+128GB वेरिएंट, एंड इसकी कीमत रखी गई है 37,999। लगता है सैमसंग ने फाइनली द मोस्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट 7,000 से 12,000 के बीच में खेलने का मन बना लिया, क्योंकि उसने लॉन्च कर दिया गैलेक्सी M सीरीज, जिसमें M का मतलब मिलेनियल हो सकता है, क्योंकि इस वर्ड पे गैलेक्सी के हेड पर्सन ने काफ़ी जोर दिया था लॉन्च इवेंट के दौरान। सैमसंग ने लॉन्च किया है 2 फ़ोन फिलहाल, जो कि गैलेक्सी M10 एंड M20, जो देखने में काफ़ी सिमिलर है, बस बैटरी का थोड़ा चेंज है। M10 आता है 3400mAh के साथ एंड M20 आता है 5000mAh के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये दोनों ही फ़ोन डुअल लेंसेज के साथ आते हैं, जिसमें एक वाइड एंगल शॉट है। एंड ये दोनों ही फ़ोन नॉच के साथ आते हैं, जो कि एक ट्रेंडिंग बन चुका है। Realme ने लॉन्च कर दिया Realme C 2019 एडिशन, जो अब आता है 32GB के साथ, बाकी सब कुछ सेम है। एंड एक नया वेरिएंट भी, जो कि 3+32GB कॉम्बिनेशन के साथ आता है, प्राइसिंग आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। इस वीक एक खबर एप्पल की तरफ से भी आई है, जो कि iOS 12 को लेके iOS 12 का बीटा वर्जन अपडेट रोल आउट शुरू हो गया है। आप अपने स्क्रीन में इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। एप्पल से जुड़ी हुई एक और खबर आई है, जो कि है द मोस्ट फेमस फेस टाइम को लेके, जो कि वीडियो कॉलिंग में काम आती है, जिसमें पाया गया एक बग, जिससे आप सामने वाले की बात उसके फ़ोन उठाने से पहले ही सुन सकते हैं, जो कि एक समस्याजनक बात है। एप्पल ने इसे इस मामले को जल्दी से सॉल्व करने का वादा किया है, देखते हैं क्या होता है। पबजी के PC वर्जन का पैच 25 आ गया है, जिसमें मून साइट आता है, जिससे आप अमेजिंग मून लाइट व्यू में अपना गेम का मजा ले सकते हैं। एंड एक नया गन भी शामिल किया गया है, जिसकी पूरी डिटेल आप नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। दोस्तों फरवरी आ गया, यानी प्यार का मौसम, एंड लगता है इसको ध्यान में रखते हुए MI वालों ने लॉन्च कर दिया फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट इस पूरे महीने, जिसका थीम होगा लव इज इन द एयर, एंड जिसमें एक रेड एलिमेंट होना चाहिए। एंड इसे आपको इंस्टा में पोस्ट करना है एक टैग के साथ,
जो कि है #, शॉट वाई मी। अगर आपका पिक्चर हुआ सबसे अलग, अगर आपके पिक्चर हुए सबसे अलग, देन आपके पोस्ट को हमारे वाले अपने ऑफिशियल पोस्ट पे पोस्ट करेंगे। तो इंतज़ार किसका है, जाइए एंड कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ MI यूज़र ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बने रहिए। एक और खबर आसुस की तरफ से आ रही है कि आसुस के 2 मिलियन यूज़र्स होने के कारण आसुस फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट्स पे अमेजिंग डिस्काउंट्स दे रही है। तो अगर आपको कुछ भी आसुस रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेने हैं तो ये वक्त आपके लिए हो सकता है। तो ये था आज की टेक न्यूज़ में, कैसा लगा आपको? मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आपका सपोर्ट एंड आपका प्यार मुझे और भी अच्छे वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। एंड देखते रहिए केवी टेक्नोज। थैंक यू।